आखिरकार 13 साल बाद टीम इंडिया कोई वर्ल्ड कप और कोई ICC टूर्नामेंट जीत ही गई। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है और सारे खिलाड़ियों पे और पूरे इंडियंस को प्राउड हो रहा है कि कैसे उन्होंने पूरे इंडियंस को खुश कर दिया। और जिस तरह से सारे खिलाड़ी अपने इमोशंस को दर्शा रहे थे, अपने इमोशंस को बाहर निकाल रहे थे, उससे लगता है कि ये वर्ल्ड कप उन लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट था और कितना ज़रूरी था। एक्चुअली 13 साल बाद टीम इंडिया कोई वर्ल्ड कप जीत रही थी, आखिरी बार 2011 में जीते थे। और खिलाड़ियों के जेस्चर से, खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज से, उसके इमोशन से पता चल रहा था कि ये वर्ल्ड कप उन लोगों के लिए क्या मकाम रखता है और क्या रुतबा रखता है। तो इस वर्ल्ड कप से सीखने वाली बात क्या रही, मैं क्रिकेट का हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, क्योंकि क्रिकेट जब भी आप देखते हैं तो उसमें आपको लाइफ के बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा लेसन ये सीखने को मिला कि जब भी सिचुएशन आपके फेवर में ना हो, तब आप अपने आप को कूल रखें, अपने आप को काम रखें और जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें, आउटकम पे फोकस ना करें। क्योंकि जब आप आउटकम पे फोकस करेंगे तब आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा और आप हड़बड़ाहट की सिचुएशन में आ जाएंगे और आपका जो काम रिक्वायर्ड है, जो वर्क रिक्वायर्ड है, उससे फोकस हट जाएगा। तो आपको अपना काम करते जाना है, चाहे सिचुएशन कितनी भी ख़राब हो, कितनी भी बुरी हो, कितनी भी बदतर हो, आप अगर अपना काम करेंगे, आप उस वक्त में 100% देंगे तो सिचुएशन और आउटकम आपके फेवर में ही जाएगा। ये सबसे बड़ा लेसन मुझे सीखने को मिला। इससे महेंद्र सिंह धोनी के एक इंटरव्यू का एक लेसन भी याद आता है कि जब धोनी को इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप अपने आप को इतने काम और कूल कैसे रखते हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, डोंट थिंक अबाउट द रिज़ल्ट। मतलब रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो, आउटकम के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो आउटकम ही है, वो रिज़ल्ट ही है जो हमारे अंदर प्रेशर पैदा कर देता है। बल्कि ये सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे क्या क्या काम हैं, क्या क्या वर्क हैं, और मैं उसको कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं उसको कैसे 100% कर सकता हूँ। अगर हम लोगों ने उस सिचुएशन में 100% दे दिया तो फिर हम लोग जीत जाएंगे, और अगर नहीं दे पाए तो हम लोग नहीं जीत पाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया, बहुत ही खुशी की बात है। और मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, क्रिकेट का बहुत बड़ा लवर रहा हूँ, तो दिल से एक इंडियन फ़ैन होने के नाते थैंक यू सो मच फॉर विनिंग दिस वर्ल्ड कप।